तो फाइनली पुष्पा जी अभी आ रही है। और गुड़गांव में ये पुष्पा जी का पहला महाशिवरात्रि पूजा था, तो इसका पता नहीं कैसा रहा क्योंकि घर को तो मिस कर रही है ये। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के मेरे इस नए चैनल नए ब्लॉग पे। तो फिलहाल अभी मैं पूजा कर लिया हूँ, रेडी भी हो चुका हूँ ऑफिस जाने के लिए। और मतलब कि पुष्पा जी अभी थोड़ा साफ कर रही है, मतलब जो भी पूजा का प्लेट है और फोटो है सब साफ क्लीन कर रही है, क्योंकि उसे भी पूजा करना है नहा धोवा कर। तो शाम को हम जाने वाले हैं मंदिर, बेसिकली हम सुबह जाने वाले थे बट इधर थोड़ा मौसम ठीक नहीं था तो पानी भी ठंडा था, तो इसलिए हम नहीं गए सुबह में, शाम को जाने वाले हैं। तो अभी मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए और दिखाता हूँ रास्ता पे कि कैसा ट्रैफिक होगा, क्या होगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है तो आज यहाँ मंदिर भी बहुत अच्छा सजाया गया है और रात को बारात निकलेगी शंकर भगवान जी की। तो मैं जल्दी से निकल रहा हूँ ऑफिस, तब तक मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, बाय बाय। पूजा स्थल जो हमारे रूम पे है और हम पूजा करते हैं, तो फिलहाल मैंने पूजा कर लिया है और पुष्पा जी है वो पूजा करने वाली है, तो फिलहाल वो अभी बर्तन और सारा से जी ये सब जितना प्लेट है ये अच्छे से साफ करेगी। एंड ये शंकर भगवान का फोटो है जो स्थापना होगा हमारे घर पे, तो ये है पूजा का। तो हम लोग प्यार से बोलेंगे हर हर महादेव। तो मैं ऑफिस जाने के लिए बाहर जैसे आया तो सूरज देवता की मतलब कि दर्शन हो गए, जय सूरज देवता, हमेशा ऐसी रोशनी अपना बनाए रखना। ऑफिस जाने के लिए रास्ता बहुत ही ज्यादा भीड़ भी नहीं है, लेकिन आज मंदिर में भीड़ है, तो चलते हैं ऑफिस पहले। और ये मेन रोड है, दुकान भी खुलना स्टार्ट हो चुका है और जैसा कि आप ये दुकान देख रहे हो ये सैमसंग का बहुत ही बड़ा शोरूम है मोबाइल का। तो फिलहाल ये मैं अभी हाफ डे लेकर घर आया हूँ क्योंकि मुझे कुछ अपना आधार कार्ड पे चेंजिंग कराना था, कुछ कनेक्शन लेने के लिए, आई मीन गैस कनेक्शन और मुझे कुछ पर्सनल वाईफाई कनेक्शन लेना है। तो मैं घर आया था लेकिन पुष्पा जी भी नहा धोवा कर रेडी है यहाँ पे, तो इसे जाना है अभी मंदिर पूजा करने के लिए। तो सब ले लिया प्लास्टिक में पूजा पट्टी जो भी सामान है, चलो बढ़िया है। तो हम जाते हैं जल्दी से, पहले इसका पूजा करवा देते हैं क्योंकि ये सुबह से कुछ खाई नहीं है और इसके भरोसे बैठता तो सच में बोले कि दिक्कत हो जाता मेरे को। तो फिलहाल हम जा रहे हैं इसे पूजा कराने, जैसे घूर के देख रही है मेरे को। पुष्पा जी बहुत ही जल्दी जल्दी जा रही है, मुझे जाने दो आगे गली पे, चलते हैं पहले पूजा करवा देते हैं उसे। तो यहाँ पे फूल देने की बारी आई तो यहाँ पे फूल बिल्कुल भी मतलब कि ठीक नहीं था, लग रहा था चुना हुआ फूल है कहीं से। तो पुष्पा जी अंदर जा रही है पूजा करने के लिए, मैं तो नहीं जाऊंगा बिकॉज क्योंकि मैं जूता भी पहना था और जाने का भी अंदर मन नहीं था। तो ये है बाहर का लोकेशन, मंदिर के चारों तरफ बच्चे भी खेल रहे हैं और अंदर मतलब पूजा भी चल रहा है, तो बहुत ही शांति का माहौल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब कि बहुत ही आनंद आ रही है फिलहाल यहाँ पे। तो मैं खड़ा हूँ बाहर देख रहा हूँ और मंदिर भी बहुत ही पुराना मंदिर है क्योंकि इस मंदिर के पास जो पेड़ है जैसा कि आप देख रहे हो अंदर पे, तो वो पेड़ भी बहुत ही पुराना है। पुष्पा जी अभी आ रही है और पुष्पा जी अभी आने लगी। हो गया पूजा। ये मंदिर के अंदर का व्यू है, ये मेन मंदिर है जिसमें यहाँ पे महादेव जी का एक शिवलिंग है और यहाँ पे और भी देवी देवताओं का यहाँ पे मूर्ति है, लेकिन अंदर आम लोगों को जाने का परमिशन नहीं है। और इधर जो है पूजा यहाँ पे शिव जी का और माँ पार्वती, गणेश जी, नंदी जी यहीं पे विराजमान है, इनकी छोटी छोटी मूर्तियाँ भी है और यहीं पे लोग पूजा कर रहे हैं, मैंने भी यहीं पे पूजा कर लिया। और फिर जैसे कि आप देख रहे हैं और भी बहुत कुछ जितने भी लोग हैं वो यहीं पे पूजा कर रहे और वहाँ पे जाने का परमिशन नहीं है दूसरे को, क्योंकि वहाँ पे बस अंदर पे पंडित जी ही हैं और कुछ लोग हैं। और इधर है हमारे नवग्रह के जो देवता बोलते हैं, नवग्रह जो हम लोग बोलते हैं कि नौ ग्रह होते हैं, उन सबका यहाँ पे मूर्ति रखा हुआ है। और ये रहे हमारे शनिदेव महाराज जी और इनकी आरती भी यहीं पे लिखी हुई है, उनकी कथा के बारे में भी है और ये उनके ये नौ ग्रह के देवता भी है सारे। और मैं चलिए आपको दिखाती हूँ सामने से नौ ग्रह को, ये रे हमारे शनि देवता, को इन्हीं प्रणाम कर ले, जय शनि देव। तो फाइनली हमारा पूजा हो चुका है और पुष्पा जी आ रही है और मुझे पकड़ा ली है पूजा का, पकड़ो अपना सामान, चप्पल। तो अभी हम लोग आ चुके हैं अभी फाइनली अपने गली पे, ये तो शॉर्टकट रास्ता था, अभी ये बिल्डिंग बन रहा है अभी और भूख भी लगा है तो मुझे जाना है पहले कापासवेड़ा बॉर्डर, अभी आधार कार्ड अभी ये करवाने के लिए, उसका नंबर कुछ चेंज कराना है मुझे, कुछ नया कनेक्शन लेने के लिए। तो अभी घर जाके क्या करना है आपको? आपको खाना बना देंगे।
मेरा खाना बनेगा, सच में मुझे खाना भूख लगा है तो मुझे बहुत जोरों से। चलते हैं पहले घर। तो हमारा पूजा हो गया है, पुष्पा जी भी आ गई है पूजा करके। तो फिलहाल अभी ये अपने पर्स से मुझे पैसा दे रही है, पैसा नहीं दे रही है फिलहाल, ये एटीएम दे रही है, मुझे कुछ कैश निकालना है। तो अभी जा रहा हूँ मैं कापासरा बॉर्डर, अपने आधार कार्ड पे कुछ चेंजिंग कराना है। और पुष्पा जी कुछ खाकर पहले पानी वानी पी लेगी क्योंकि उसका आज फास्ट है। तो क्या खाओगे आज? कुछ मीठा खा लेना। कुछ मीठा तो खाना ही है, क्या खाओगे? डेयरी मिल्क खाओगे? मोनिका मैम ने दिया था डेयरी मिल्क। अरे उनको आज हमारा पूरे भारत में ऑमिंग डे मनाया जाता है, तो मोनिका मैम को मिला था तो मैंने उनसे ये ले लिया और उन्होंने मुझे दे दिया क्योंकि उनका आज फास्ट था। ये थैंक यू मोनिका मैम। तो ये रो, तो अभी मैं निकलता हूँ। और कुछ करना है? कुछ अभी और कुछ लाना है क्या? नहीं, तो चलता हूँ मैं पहले कापासरा बॉर्डर। तो आ चुके हैं आधार कार्ड अपडेट चेंज कराने के लिए, साथ में है अभिषेक, चलते हैं अपडेट कराने के लिए। तो मैं तो आकर अभी लेट गया हूँ और मेरा अपडेट जो था वो भी हो चुका है आधार कार्ड पे। विद इन 72 वर्किंग आवर में ये मेरा चेंज हो जाएगा। और घर आते पुष्पा जी मेरे लिए बना रही है मैगी, क्योंकि मुझे मैगी खाने का मन था। अब रात का खाना तो मैं बना लूँगा क्योंकि उसका फास्ट है, वो तो नहीं खाएगी। तो मैं दिखाता हूँ वो क्या बना रही है मैगी किस तरह से। तो ये है पुष्पा जी अभी मैगी बना रही है मेरे लिए। आपको कुछ नहीं खाना है क्या? हम खा लिए। क्या? सेवई। सेवई खाओ। ओके, वो नारियल दोगे क्या मेरे को? थोड़ा सा तोड़ के, मैं तो नहीं छूंगा। और कैसा रहा आज का पूजा? मंदिर फर्स्ट टाइम गुड़गांव पे। अच्छा, तो गुड़गांव का मंदिर कैसा लगा आपको? अच्छा लगा, मतलब कि पूजा पाठ। पंडित जी तो यहाँ थे नहीं ना? यहाँ पे बेसिकली ये होता है ना कि यहाँ का पंडित जी मतलब कोई दिक्कत नहीं होता है। तो जब तक ये मैगी बना रही है तब तक ये कर लेते हैं, नारियल खा लेते हैं, नारियल पानी भी पी लीजिए। रात हो चुका है, पुष्पा जी मेरे लिए टमाटर पका रही है फिलहाल यहाँ पे रात का खाना के लिए, क्योंकि मेरा तो फास्ट नहीं है, पुष्पा जी का फास्ट है। तो ये ऑलरेडी अभी खाना खा चुकी है, मतलब कि हलवा खाइए। और क्या खाइयो? बस हलवा और सिवाई दोपहर में खाई थी। ओके, तो फिलहाल हमारा तो ऑलमोस्ट हो चुका है आज इसका फास्टिंग, इसलिए ज्यादा कुछ खाने के लिए नहीं बनाई है ये। तो दोस्तों आज के इस ब्लॉग को यहीं पे खत्म करते हैं। और पुष्पा जी जैसे कि मेरा खाना बना रही है तो मैं जा रहा हूँ, जल्दी से खाना खाऊंगा और उसके बाद सो जाऊंगा। वीडियो भी एडिट नहीं करना है अभी, वो कल मॉर्निंग में करूंगा। तो आज का जो दिन था बहुत ही अच्छा रहा कि मंदिर भी जाना हो गया, शांति भी मिला, पूजा भी हो गया और आज था महाशिवरात्रि पूजा। तो फिलहाल तो हमारे यहाँ पे हिंदी कल्चर के अकॉर्डिंग जो होता है कि आज से फागुन मतलब होली स्टार्ट हो गया है। तो देखते हैं कैसा रहेगा हमारा इस बार का होली। तो आज के इस ब्लॉग को इसी जगह खत्म करते हैं, तो मिलते हैं कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय सियाराम। और साथ में हम बोलेंगे हर हर महादेव।